इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले को लेकर दोनों टीमें हुई पूरी तरह से तैयार। भारतीय टीम को लगा इस मुकाबले से पहले तगड़ा झटका, सुमन गिल इसके साथ ही जडेजा हुए टीम इंडिया से बाहर। भारतीय टीम में होंगे तीन बड़े बदलाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट महामुकाबले को लेकर दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं, जहां पर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 का भी ऐलान हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किन बड़े बदलावों के साथ ये टीमें मैदान पर उतरेगी, कौन कौन से खिलाड़ी कमाल का परफॉर्मेंस करेंगे, इस मुकाबले में क्या रणनीति टीम इंडिया की रहेगी और भारतीय टीम इस मुकाबले के बाद अब किस तरह से बेहतरीन आगाज करती हुई दिखेगी। दूसरे टेस्ट मुकाबले से जुड़ी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इसे एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस महामुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर विशाखापट्टनम के मैदान पर एक बार फिर ऐतिहासिक पारी खेलते हुए यहां पर अब बचे हुए चारों मुकाबलों को अपने नाम पर करे और इंग्लैंड की टीम को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करे। तो दोस्तों, हम बात करें भारत और इंग्लैंड के इन महामुकाबलों के बारे में, तो भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला जो कि हैदराबाद में खेला गया था और इस मुकाबले का आखिरी दिन यानी कि चार दिन में यह मुकाबला खत्म हुआ, लेकिन भारतीय टीम को 28 रनों से मुकाबले को गंवाना पड़ा। ऐसे में टीम इंडिया अब यहां पर दूसरे टेस्ट मुकाबले को दमदार तरीके से जीतने के लिए मैदान पर उतरेगी, अपनी रणनीति में बड़े बदलाव करती हुई दिखेगी। हालांकि यहां पर रविंद्र जडेजा जो कि चोटिल हो चुके हैं, तो ऐसे में यहां पर उनकी जगह पर भारतीय टीम बड़े बदलाव करती हुई दिखेगी। उनको यहाँ पर चौथे दिन हैमस्ट्रिंग में खिंचाव महसूस हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर पैर का स्कैन कराने के बाद उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। हालांकि यहाँ पर कन्फर्म होने के बाद भी उन्हें दूसरे टेस्ट मुकाबले से बाहर किया जाए क्योंकि उनकी चोट गंभीर थी, जिसकी वजह से अब उन्हें दूसरा टेस्ट मुकाबले से आराम दिया जाएगा। तो ऐसे में भारतीय टीम इनकी जगह पर बड़े बदलाव करती हुई दिखेगी। तो इनके अलावा अय्यर की जगह पर भी हमें बड़ा बदलाव होता हुआ दिखेगा, क्योंकि सरेश अय्यर का परफॉर्मेंस कुछ खास देखने को नहीं मिला था और भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मुकाबले को जीतने के लिए मैदान पर उतरेगी। ऐसे में यहां पर टीम में अय्यर को बार करती हुई दिखेगी, तो सुमन गिल भी यहां पर दूसरे टेस्ट मुकाबले का हिस्सा होते हुए नहीं दिखेंगे। हालांकि सुमन गिल की पारी काफ़ी बेहतरीन थी, उन्होंने दमदार परफॉर्मेंस भी किया था, लेकिन यहां पर सुमन गिल की जगह पर भी भारतीय टीम अब बड़े बदलाव करती हुई दिखेगी। तो ऐसे में यहां पर दोनों ही टीमों में बड़े बदलाव होते हुए दिखेंगे, लेकिन भारतीय टीम शानदार रणनीति के साथ उतरते हुए कमाल का परफॉर्मेंस करेगी और अपनी प्लेइंग 11 में तीन बड़े बदलाव करने जा रही है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले इंग्लैंड की टीम की हम बात करें तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे जैक कार्ली, तो उनके साथ होंगे बेन डेकेट, जहां पर दोनों खिलाड़ी अब तक टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिला चुके हैं। इंग्लैंड की टीम की तरफ से काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में उतरे अब तक बेन डेकेट ने काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखाई थी, इनकी भी शानदार शुरुआत रही थी। दोनों ही इनिंग में इनका परफॉर्मेंस पहले टेस्ट मुकाबले में शानदार देखने को मिला था, तो यहां पर भी एक बार फिर टीम को यह मजबूत शुरुआत दिलाते हुए दिखेंगे और दोनों ही खिलाड़ियों को एक बार फिर ओपनिंग जोड़ी में मौका मिलेगा। तो पर नंबर तीन पर उतरेंगे ओली पॉप, जो कि अब तक इस टेस्ट सीरीज में सबसे कमाल का परफॉर्मेंस कर चुके ओली पॉप को यहां पर इंग्लैंड की टीम एक बार फिर नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने का मौका देगी। वैसे यहां पर देखें तो ओली पॉप ने काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी करी थी, ऐसे ही अगर बल्लेबाजी इंग्लैंड की टीम की एक बार फिर देखने को मिली और भारतीय टीम इनका विकेट लेने में असफल रही, तो फिर इंग्लैंड की टीम एक बार फिर मुकाबले को जीतने की दावेदार रहेगी। ऐसे में यहाँ पर टीम इंडिया को यहाँ पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए सबसे पहले ओली पॉप का विकेट निकालना है। तो ऐसे में यहाँ पर नंबर तीन पर इंग्लैंड की टीम एक बार फिर इन्हें मौका देने जा रही है। तो नंबर चार पर जो रूट को मौका मिलेगा, जो कि एक शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी है, अब तक काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस कर चुके हैं, तो एक बार फिर इन्हें नंबर चार पर बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा, तो ये शानदार गेंदबाजी भी करते हुए दिखेंगे। तो वहीं पर नंबर पाँच पर जॉनी बेयरस्टो उतरेंगे, जो कि शानदार परफॉर्मेंस कर चुके हैं, अब तक टीम को मजबूत शुरुआत भी दिला चुके हैं, तो एक बार फिर इन्हें यहां पर नंबर पाँच पर मौका मिलेगा। तो वहीं पर नंबर छः पर उतरेंगे बेन स्टोक्स, टीम के कप्तान बेन स्टोक्स जो कि नंबर छः पर बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। हालांकि ये एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जो कि गेंदबाजी से लगाकर बल्लेबाजी में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर चुके हैं, तो यहाँ पर एक बार फिर इन्हें नंबर छः पर मौका मिलने जा रहा है। तो वहीं पर नंबर सात पर बेन फोकेस को मौका मिलेगा,
जो कि दमदार ऑलराउंडर खिलाड़ी है। इनका परफॉर्मेंस भी काफी दमदार देखने को मिला था। बल्लेबाजी से लगाकर गेंदबाजी में इन्होंने काफी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया। तो एक बार फिर इन्हें यहाँ पर नंबर 7 पर मौका मिलेगा, तो वहीं पर नंबर 8 पर रेहान अहमद हमें खेलते हुए दिखेंगे, जो कि अपनी गेंदबाजी की बदौलत टीम को काफी मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके हैं। तो एक बार फिर इन्हें यहाँ पर मौका मिलेगा, तो वहीं पर नंबर 9 पर उतरेंगे टॉम विलियम हार्टली, जो कि अब तक दमदार विकेट चटकाते हुए दिखे। हालांकि इन्होंने बल्लेबाजी भी काफी कमाल की करी, यानी कि यहाँ पर इंग्लैंड की टीम के पास एक से बढ़कर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी मौजूद है, जो कि अब तक गेंदबाजी से लगाकर बल्लेबाजी में कमाल का परफॉर्मेंस कर चुके हैं। तो ऐसे में भारतीय टीम को यहाँ पर अपनी स्थिति को और भी मजबूत बनाते हुए मैदान पर उतरना है। तो वहीं पर नंबर 10 पर उतरेंगे मार्क हुड। मार्क हुड की बात करें तो मार्क हुड ने भी शानदार गेंदबाजी करी थी और दमदार परफॉर्मेंस इनका भी देखने को मिला था। तो ऐसे में यहाँ पर एक बार फिर इन्हें टीम नंबर 10 पर मौका देगी और नंबर 11 पर जेक लिंच हमें खेलते हुए दिखेंगे, जो कि अब तक बेहतरीन परफॉर्मेंस कर चुके हैं। इंग्लैंड की टीम के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस शानदार देखने को मिला था। हालांकि बल्लेबाजी इनकी कुछ खास देखने को नहीं मिली, लेकिन गेंदबाजी में कमाल का परफॉर्मेंस किया था। ऐसे में यहाँ पर नंबर 11 पर इंग्लैंड की टीम इन्हें एक बार फिर मौका देने जा रही है। यानी कि यहाँ पर देखें तो दमदार फॉर्म में यह टीम मैदान पर उतरेगी, लेकिन भारतीय टीम की शानदार रणनीति की बात करें तो टीम इंडिया में 3 बड़े बदलाव होते हुए दिखेंगे। जहाँ पर भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी की हम बात करें तो ओपनिंग जोड़ी में उतरेंगे एक बार फिर कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा, तो उनके साथ होंगे यशस्वी जायसवाल। यहाँ पर कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा भी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर चुके हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम अब तक मजबूत स्थिति में उतरी। इन्होंने ओपनिंग जोड़ी में अपनी बेहतरीन भूमिका हिटमैन रोहित शर्मा के साथ निभाई। तो यहाँ पर एक बार फिर इन्हें यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ी ओपनिंग जोड़ी में हमें खेलते हुए दिखेंगे और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाएंगे। उम्मीद करेंगे कि हिटमैन रोहित शर्मा यहाँ पर संभल कर बल्लेबाजी करे और टीम को मजबूत स्थिति में उतारे, और यशस्वी जायसवाल भी उनका बेहतरीन साथ दे। तो वहीं पर नंबर 3 पर भारतीय टीम बड़े बदलाव करने जा रही है। यहाँ पर सुमन गिल यहाँ पर दूसरे टेस्ट मुकाबले में हमें खेलते हुए नहीं दिखेंगे, तो उनकी जगह पर ध्रुव जुरेल को टीम में मौका मिलेगा, जो कि हालिया परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन कर चुके हैं। रणजी ट्रॉफी में इनका परफॉर्मेंस काफी दमदार रहा था। तो यहाँ पर एक बार फिर भारतीय टीम इन्हें मौका देगी और नंबर 3 पर ये एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में उभरते हुए दिखेंगे। तो नंबर 4 पर उतरेंगे केएल राहुल, जहाँ पर विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल भी अब तक काफी दमदार परफॉर्मेंस कर चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक बार फिर नंबर 4 पर इन्हें मौका मिलेगा और उम्मीद करेंगे कि एक बार फिर पहले टेस्ट मुकाबले की तरह यहाँ पर दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी ये संभल कर बल्लेबाजी करे और टीम को मजबूत स्थिति में उतारे और भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर ऐतिहासिक शुरुआत करे। तो वहीं पर नंबर 5 पर मौका मिलेगा सरेश अय्यर की जगह पर यहां पर रजत पाटीदार को, जो कि दमदार परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे। रजत पाटीदार भी एक बेहतरीन खिलाड़ी है, जो अब तक टीम को शानदार फॉर्म में उतार चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सरेश अय्यर को इस मुकाबले से बाहर किया जाएगा और रजत पाटीदार को मौका दिया जाएगा। हालांकि अय्यर की भी बल्लेबाजी कमाल की रही थी, लेकिन यहां पर रजत पाटीदार को इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में जोड़ा जाना है। तो ऐसे में अय्यर यहां पर दूसरे टेस्ट मुकाबले से हमें बाहर होते हुए दिखेंगे। तो वहीं पर नंबर 6 पर उतरेंगे श्रीकर व्रत, जो कि अब तक बेहतरीन परफॉर्मेंस कर चुके हैं, टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत भी दिला चुके हैं। तो ऐसे में यहां पर इनको एक बार फिर मौका दिया जाएगा और उम्मीद करेंगे कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में उभरे और शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाए। तो वहीं पर नंबर 7 पर उतरेंगे रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन की बात करें तो ये भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जो अब तक टीम को मजबूत फॉर्म में उतार चुके हैं और इनकी गेंदबाजी काफ़ी कमाल की रही थी, बल्लेबाजी में भी दमदार परफॉर्मेंस किया था। ऐसे में यहाँ पर एक बार फिर नंबर 7 पर इन्हें मौका मिलेगा। वहीं पर नंबर 8 पर उतरेंगे अक्षर पटेल। अक्षर पटेल की बात करें तो अक्षर पटेल भी अब तक दमदार ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में उभरे। इन्होंने भी बल्लेबाजी भी कमाल की करी, गेंदबाजी में भी शानदार विकेट चटकाए। तो एक बार फिर इन्हें नंबर 8 पर भारतीय टीम मौका देने जा रही है। तो वहीं पर नंबर 9 पर बड़ा बदलाव होता हुआ दिखेगा, यानी कि नंबर 9 पर मौका मिलने जा रहा है कुलदीप यादव को। कुलदीप यादव जो कि यहां पर जडेजा की जगह पर भारतीय टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हालांकि जडेजा एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है, लेकिन वो चोटिल हो चुके हैं। तो ऐसे में यहां पर अब सिरा यहां पर जडेजा की जगह पर कुलदीप यादव भारतीय टीम का हिस्सा रहेंगे और एक बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए शानदार विकेट लेकर गेंदबाज की भूमिका निभाएंगे। वहीं पर नंबर 10 पर उतरेंगे जसप्रीत बुमराह।
जसप्रीत बुमराह की बात करें तो बुमराह भी अब तक बेहतरीन परफॉर्मेंस कर चुके हैं। इन्होंने भी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया, भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में उतारा है। तो एक बार फिर इन्हें यहाँ पर नंबर 10 पर मौका मिलेगा और नंबर 11 पर भारतीय टीम का हिस्सा बनते हुए दिखेंगे एक बार फिर मोहम्मद सिराज। सिराज की बात करें तो सिराज भी अब तक टीम को मजबूत शुरुआत दिला चुके हैं। इन्होंने भी दमदार परफॉर्मेंस किया था, तो एक बार फिर इन्हें नंबर 11 पर मौका मिलेगा। यानी कि भारतीय टीम तीन नए खिलाड़ी जहां पर रजत पाटीदार, ध्रुव चुरेल इसके साथ ही कुलदीप यादव के साथ मैदान पर उतरती हुई दिखेगी और टीम कमाल का परफॉर्मेंस करेगी। वहीं पर दोस्तों अब हम बात करें इस महामुकाबले के आगाज के बारे में, तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जाएगा जो कि 2 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और ये महामुकाबला भी शुरू होगा भारतीय समयानुसार सुबह के 9:30 पर, जिसे आप लाइव देख सकेंगे बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इन तीन बड़े बदलावों के साथ इस मुकाबले को जीत पाएगी? अपनी कीमती राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।